दादरा नगर हवेली पुलिस आ मामला में डिजिटल करंसी ना नामे लोको पासे थी लाखों रुपया उघरावी अने चूनो लगावनार केरलनी एक गैंगना बे भेजाबाजनी धरपकड़ करी सळिया पाछळ धकेली दीधा छे। छेल्ला केटलाक समयथी क्रिप्टो करंसी जेवी डिजिटल करंसी में लोको रोकाण करी रह्या छे। माले तुषारो ओछा समय में शॉर्टकट में वधु वळतरनी लालचे डिजिटल करंसी में लाखों रुपया रोकी रह्या छे। त्यारे सेलवासना सामरवर्णीना सतीश कुमार नामना एक माले तुषारे झड़पी अने नाणा कमावानी अने वधारे वळतर मेळवानी लालचे एक अजाणी लिंक परथी डिजिटल करंसी खरीदवाना प्रयासो कर्या हता। ते केटलाक भेजाबाजोए तेमनो संपर्क करी अने प्रथम व्हाट्सएप ग्रुपमां तेमने जोड़ी अने त्यारबाद लोभामणी लालचो आपी अने शरूआतमां साची डिजिटल करंसी आपे विश्वास केळव्यो हतो। त्यारबाद एक पछी एक एम अनेक वखत जुदा जुदा एकाउंटमां पैसा मंगावी कुल रूपया 30 लाखथी वधु रूपया पड़ावी लीधा हता। त्यारबाद ते अजाणी वेबसाइट बंद थई जता सेलवासना मालेतુજાર પોતે છેતરાયો હોવાનો ભાન થયો હતો અને પોતાની સાથે લાખોની છેતરપિંડી થઈ હોવાની જાણ થતા સેલવાસ પોલીસનું શરણ લીધું અને સેલવાસ પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા ભેજાબાજો સામે ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી। આ પ્રકરણમાં સેલવાસ પોલીસે બે આરોપીઓની કેરળથી ધરપકડ કરી છે। उस टीम में हमने पहले ये चेक किया कि वो कौन से मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे सबसे पहले उन्होंने पैसे भेजे, तो हमें पता चला कि ऐसे उनको दो क्रिप्टो करेंसीज ऑफ़र की गई, एक का नाम था नेक्स्ट कॉइन और एक का नाम था ग्लोबल कॉइन। ये दोनों करेंसी फेक थी और इनिशियली उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के माध्यम से। देन उस व्हाट्सएप ग्रुप में मल्टीपल चैट्स की गई उनके साथ, उनको कन्विंस किया गया कि ये सेफ करेंसी है। एंड इसमें दो तरह से फ्रॉड किया गया, पहले तो उनका पैसा कुछ जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराया गया एंड बाद का ये जो पैसा है 30 लाख रुपीज़, ये उन्होंने डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाए जो सारे इंडियन बैंक अकाउंट्स थे। और उन बैंक अकाउंट के माध्यम से एलएच पर्सन ने बोला कि हम आपका क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराएंगे, बट जबकि वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हुआ नहीं और वो पैसा वहाँ से उस अकाउंट से निकल गया। नहीं, ये भी मेन अक्यूज पर्सन है। इन्होंने भी एक्चुअली इसमें तीसरी एक और एप्लीकेशन उन्होंने यूज़ करी थी IDBoxX के नाम से, तो ये भी उसको यूज़ करते थे और इन्होंने भी कई लोगों को ठगा है। बट ये एक चेन है, इसमें बेसिकली 4-5 चेन होती है इस तरह के फ्रॉड में, जिसमें अलग अलग चेन पर अलग अलग फ्रॉडस्टर होते हैं। कुछ होते हैं जो फेक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ अक्यूज पर्सन होते हैं जो फेक सिम प्रोवाइड करते हैं, कुछ अक्यूज पर्सन होते हैं जो पूरा फेक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जिसके माध्यम से लोगों को ठगा जाता है, कुछ वो होते हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को चैट करते हैं। तो इस तरह से कई सारे अक्यूज पर्सन हो जाते हैं। तो एक चेन को तो अभी हमने ब्रेक कर दिया, बाकी चेन के लिए भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये सिलवासा में तो अभी पहला मामला हमने देखा है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से फ्रॉड किया गया है, और हमने एक अपील भी इशू करी है जनता को कि क्रिप्टो करेंसी और फेक करेंसीज में वो इन्वेस्ट ना करें। बेसिकली ये हाई रिटर्न दिखाया जाता है इनको कि 15% 20% रिटर्न विदिन ए डे आपको मिल जाएगा, बट कुछ समय दिया जाता है, उसके बाद इनको फेक तरह से मनी लॉन्डर करवा